कामली देखो मैं कलर टीवी ले आया हूँ। माँ तुम कैसे? सुना तुम्हारे घर कलर टीवी आ गया है, सोचा क्यों ना बच्चों के साथ तुम्हारे यहाँ रंगीन फिल्म देख ली जाए। मामा जी बच्चों ने बताया तुम्हारे यहाँ रंगीन टीवी आ गया है, ने कहा चलो वहीं पर चलकर फिल्म देखते हैं। जब दोस्त के घर कलर टीवी आ गया है तो सिनेमा जाने की क्या जरूरत? सतश्री अकाल, सदारनी ने दसिया रमन दा कलर टीवी आ गया है, वाह मजा आ गया। सोचता हूँ ये कलर टीवी बेच ही दूं। अरे रमन यह क्या कर रहे हो? यह पेड़ सूख गया है, मैंने सोचा इसे काट ही दूं। कुछ ही दूरी पर डाकू पकड़ो पकड़ो लूट कर भाग रहा है। नामी डाकू को पकड़वाने के लिए तुम्हें पुलिस मेडल दिया जाता है। रमन कहाँ जा रहे हो? खलीफा 12 बंकवी ने हमें पार्टी में बुलाया है। रमन खुशामदीद, लो विस्की और सिगरेट पियो। नहीं डॉक्टर कहते हैं सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है। लो ये ठंडा या गरम पी लो। नहीं इनसे पेट में गैस बनती है। लो आइसक्रीम भी खा लो। रहने दो इससे गला खराब हो जाता है। कुछ समोसे और कचौड़ी। डॉक्टर कहते हैं तली हुई चीजों से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट अटैक होने का डर होता है। बर्फी और लड्डू। डॉक्टरों का मत है मीठी चीजें खाने से डायबिटीज हो जाती है। अब मैं तुम्हें ऐसी चीज पेश करूंगा जिसे खाने के लिए कोई डॉक्टर नहीं रोकता। कौन सी? बाहर जाकर हवा खाओ। हेलो सर, ठीक है आप फिक्र न करें, खुशखबरी बॉस की तबीयत खराब है, वह आज दफ्तर नहीं आ रहा है। 25 सालों में आज पहला दिन है जब यह बुड्ढा खूसट दफ्तर नहीं आ रहा है। आज काम को मारो गोली, खुशियां मनाओ। बेफिक्र होकर बैठो और ताश खेलो। आज तुम सबको देर रात तक काम करना है यहाँ, समझे बॉस? मैं अचानक आकर देखना चाहता था कि तुम मेरी गैर हाजिरी में काम करते हो या नहीं। कमली तैयार हो जाओ, जरा सदर बाजार चलना है। बापरी वहाँ तो मेरी सास रहती है, जरूर उसी से मिलने जा रहे हैं। मैं नहीं जा सकती। क्यों? कुछ देर पहले फिसलने के कारण मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं सकती। अच्छा, दफ्तर से लौटते समय सदर बाजार में साड़ियों की सेल देखी थी, सोचा एक तुम्हें भी खरीद दूं। साड़ियों की सेल? रुको मैं अभी तैयार होकर आई, चलो चलते हैं। पता नहीं किसका बच्चा है यह। क्या मुसीबत में पड़ते हो? चलो यदि इसे हम पुलिस स्टेशन पहुंचा दे तो इसके माँ बाप शायद इसे वहाँ से ले जाए। हमने इसे पार्क में पड़ा हुआ पाया है। मेरा मुन्ना। क्यों मिस्टर, इसके गले में जो सोने की जंजीर थी वह कहाँ है? रमन तुम्हारा बॉस इधर आ रहा है। मारे गए वह बुड्ढा, आज छुट्टी के दिन भी मुझे पकड़कर दफ्तर ले जाएगा और सारा दिन बिगाड़ करवाएगा। हमें जल्दी ही कुछ करना चाहिए। बाहर से दरवाजे पर ताला लगा देते हैं, अब पिछले दरवाजे से अंदर चले जाते हैं, बॉस समझेगा हम घर पर नहीं है। ताला लगता है रमन कहीं बाहर गया हुआ है। यह तुम्हारा पड़ोसी रमन कब वापस लौटेगा? कुछ पता नहीं बॉस। मैं उसके लिए सिनेमा की 2 टिकट ले आया था, लो अब तुम ले लो। बेटा। माँ कमला देखो कौन आया है। कमला मेरी माँ आई है, उसके लिए कुछ नाश्ता बनाओ। ओ डॉक्टर से मैं अभी दवा लेकर आया। कमला बेटी। माँ माँ तुम बड़े दिनों बाद आई, थक गई होगी, बैठो मैं खाना बनाकर लाती हूँ। पता नहीं
मेरी सास ने कौन से मेडिकल कॉलेज से डिग्री पाई है, मिनट में उसे ठीक कर दिया। एक और एक दो, दो और तीन पाँच, पाँच और सात बारह, बारह और छह अठारह, बाबूजी 80 और 4 84। उसे डिस्टर्ब मत करो, वो बैलेंस शीट बना रहा है, भूल गया तो दोबारा शुरू से गिनती करनी पड़ेगी। 412 और 5 417। आपकी नाक पर ततैया बैठी काट रही है। 6,033 और 7,6,630। कटने दो। 2,03,420 और 4। 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 3 7। पलंग पर नई चादर बिछाई है, उठो तुम सिलवटे डाल दोगे। ओह, रसोई में जूते लेकर आ गए, सत्यानाश कर दिया। सोफा को मैंने अभी अभी साफ किया है, उठो गंदा कर दोगे। पत्रिकाएं तरतीब से लगा रखी हैं, इन्हें तितर बितर न कर देना। अब कहाँ चले? बाहर, घर में तो बैठने की जगह नहीं है। वाह वाह वाह। अरे, इसमें वाह वाह करने की कौन सी बात है? क्या तुम इतना वजन उठा सकते हो रमन? अरे, इसमें कौन सी वजह है, कोई दूसरा जब कर सकता है और रमन नहीं? इन छुट्टियों में तो बच्चों ने नाक में दम कर लिया है। एक तरकीब सूझी है, क्यों ना छुट्टियों में हम अपने बच्चों को तुम्हारे दोस्त सुब्रमण्यम के बच्चों के साथ आदान प्रदान कर लें, आधी मुसीबत कम हो जाएगी। वाह, मैं अभी फोन करके उसे पूछता हूँ। हेलो सुब्रमण्यम, हमारे बच्चे तुम्हारे यहाँ आ जाए। ठीक है, और हमारा वेंकट तुम्हारे यहाँ चला जाएगा। बच्चों जाओ अंकल के घर, अब चैन से बैठो। वेंकट आ गया। मैं जहाँ जाता हूँ साथ साथ मेरा ये पालतू जानवर भी जाते हैं। मार गए। वकील साहब, मुझे आपसे एक सलाह लेनी है। बोलो। अगर कोई किसी का नुकसान कर दे तो क्या करना चाहिए? कानून में इसका उपाय है, बड़ी सीधी सी बात है, अपने नुकसान का मुआवजा मांगने चाहिए। अगर वह मुआवजा देने से इनकार कर दे तो उस पर मुकदमा दायर कर देना चाहिए। तो आपके लड़के ने गुलेल से मेरी खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए हैं, 100 रुपए रखिए, नहीं तो मैं मुकदमा दायर कर दूंगा। बेशक, तुम्हें 100 रुपए मिलेगा। मशवरा देने की मेरी फीस 500 रुपए, 100 कटकर 400 मेरे हवाले कर दो। वहाँ अकेले खिड़की में बैठे हुए क्या कर रहे हो? ताजी हवा खा रहा हूँ। तो ये ताजी हवा खाई जा रही है? आय 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 आय। चलो ताजी हवा खानी है तो उस खिड़की में बैठो। वाह, सचमुच यहाँ ज्यादा ताजी हवा है। रमन जगो। तुम दफ्तर में पूरे 2.5 घंटे सोए, अब इतना ही समय काम करो तभी मैं तुम्हें घर जाने दूंगा। भीगू, इसे इतने फाइलें दे दो कि इसे फलक झपकने की फुर्सत ना मिले। मैं यही चहलकदमी करता हूँ, कहीं यह खिसक न जाए। 2.5 घंटे पूरे हो गए, अब तुम घर जा सकते हो।